चलो बच्चों, आपने इसके पहले मेला ये कविता ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया, कई बच्चों ने पढ़कर भी सुनाया, फिर भी एक बार मैं आपको ये कविता एक बार पढ़कर सुनाती हूँ और आपको ये कविता याद करनी है। कविता याद करके फिर आपको मुझे सुनानी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है मेला। आओ आओ तुम्हें दिखाएं अपने मेले की ये शान, ऊंचे ऊंचे झूले देखो चाट पकौड़ी की दुकान। कहीं पर मिलती बिंदी चूड़ी, कहीं पर बच्चों का सामान, कहीं पर जोकर घूम रहा है और कहीं मिलते पकवान। बच्चे बैठे हैं हाथी पर, कुछ ऊंट पर घूम रहे, कुछ बैठे हैं झूलों में, कुछ मैदान में कूद रहे। मेले में आया हूँ मैं भी अपने मम्मी पापा के संग, देखकर मेले की रौनक रह गया मैं बिल्कुल दंग। तो ये चित्र कविता में एक मेले का है जिसमें बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ आया है और उसने क्या क्या देखा। उसने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे झूले देखे और खाने पीने की बहुत सारी चटपटी चीज़ें भी देखी। साथ में वहाँ उसने क्या देखा कि चूड़ी बिंदी बहुत सारा सामान भी बिक रहा है और एक जोकर भी देखा उसने। जोकर देखा है आपने, जो हंसाता है। और फिर उसके बाद हाथी वो उसकी सवारी भी कर रहे थे बच्चे। किसकी सवारी? हाथी की सवारी। कुछ ऊंट पर घूम रहे, कुछ बैठे हैं झूलों में। कुछ बच्चे किस पर बैठे हैं? ऊंट पर। तो ऐसे आपने भी सवारी की होगी, कभी ऊंट की, कभी हाथी की, कभी घोड़े की, और झूले में भी बैठे होंगे। झूले बहुत ऊंचे ऊंचे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, ट्रेन की तरह गोल गोल घूमने वाले भी होते हैं और राउंड राउंड ऊपर से नीचे घूमने वाले भी होते हैं। तो मेले में बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ गया है और मेले की सारी रौनक देखकर वो दंग रह गया है, ठीक? तो इस तरह से ये कविता आपको याद करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपसे जो पूछा गया है उसको लिखना भी है, ठीक है? बच्चे ने मेले में क्या क्या देखा, इसका उत्तर आपको यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं दिया है, बाकी का हम नीचे लिखेंगे जहाँ प्लेस दिया है। क्या आप कभी मेले गए हैं? ये सवाल मुझे सबसे पहले आपसे पूछना था कि अगर आप किसी मेले में गए हैं तो उसके बारे में बताइए। आपने जो मेला देखा था वो ऐसा ही था जैसा कविता में बताया है या कुछ थोड़ा अलग था? तो नेक्स्ट जो लिखना है आपको वो ये है कि मेले में कौन कौन सी दुकानें थीं, चाट पकौड़ी की, चूड़ी बिंदी की दुकानें थीं, दुकानें चाट पकौड़ी की और चूड़ी बिंदी की दुकानें थीं, ठीक? तो एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। बच्चे किस पर बैठकर घूम रहे थे? बच्चे हाथी और ऊंट पर बैठकर घूम रहे थे। कुछ बच्चे हाथी पर, कुछ ऊंट पर बैठकर घूम रहे थे। यदि आप मेले में होते तो वहाँ क्या करते? इतने सारे काम बताए जा रहे हैं, कोई झूला झूल रहा है,
कोई चाट पकौड़ी खा रहा है, कोई चूड़ी बिंदी खरीद रहा है, कोई जोकर को देख के हंस रहा है, कोई हाथी पर बैठा है, कोई ऊंट पर घूम रहा है, तो कोई मैदान में सिर्फ ऐसे ही कूद रहा है, दौड़ रहा है। तो आप वहाँ होते तो इसमें से आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, या इसके अलावा भी आप जो लिखना चाहो यहाँ लिख सकते हो। ठीक, और यहाँ एक खूब सुंदर सा चित्र दिया है हाथी का, और उस हाथी के ऊपर जो लकड़ी के बॉक्स जैसा है उसको बोलते हैं हौदा। तो हौदे के अंदर जो लोग मम्मी पापा और दो बच्चे, इस तरह से एक पूरा परिवार बैठा हुआ है, और वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आपको ये चित्र देखकर इस चित्र के बारे में नीचे दी गई लाइन में 1 2 3 4 मतलब 4 लाइन आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या लिखना है आपको, तो क्या लिखेंगे, एक हाथी है, चित्र में एक हाथी है, उस हाथी के ऊपर दो बच्चे और उनके मम्मी पापा बैठे हुए हैं, सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लगता है उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। तो या फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, है ना। यह वर्णन अपने दोस्त को पढ़कर सुनाइए, यानी पहले आप लिखिए और फिर पढ़कर सुनाइए। अब आपके घर में तो आपके दोस्त नहीं हैं, आपको अपनी मम्मी को, नहीं तो पापा को, दादा दादी जो भी हैं उनको पढ़कर सुनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये प्रश्नों के उत्तर लिखना है और कविता याद करना है। ठीक, कविता याद करना बहुत ज़रूरी है, आप कविता याद कीजिए। ओके, ठीक है, बाय।